तो मैं मार्केट आ रखा हूँ और यहीं पर मेरे मम्मी पापा अभी आ रखे। कोविड का वैक्सीन जो है ना उनको दूसरी लगेगी, जो 45 साल से ऊपर के उनको लग रही है हमारे यहाँ पर। तो चलो आपको दिखाता हूँ आगे क्या होगा। प्लीज़ गाइज अपना ध्यान रखिएगा, ओके। आजकल बहुत ज़्यादा लोग टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है, लेकिन विश्वास रखिए सब ठीक हो जाएगा। हम सबकी दुआएँ काम कर रही है, ओके, सब ठीक हो जाएंगे। एक चीज़ और, जिन लोगों को भी पॉजिटिव था, जो ठीक हो चुके हैं, वो प्लीज़ अपना प्लाज्मा डोनेट करिए। प्लीज़ 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 डोनेट करिए प्लाज्मा, ओके। चलिए मैं दिखाता हूँ आगे। ये है मेरे गांव की सबसे पास की मार्केट, जुए मार्केट बोलते हैं, जुए एक गांव भी है, और यहाँ पर जो स्कूल है यहाँ पर लग रहे हैं टीके। दोस्तों बिलीव नहीं हो रहा है मुझे कि इस तरीके का दिन देखना पड़ेगा, मतलब ये सब हम फिल्मों में देखते थे और आज असली लाइफ में इस तरीके की डिफ़िकल्टीज आ रही है जो जिसने दुनिया को हिला दिया है। तो देखो हमको इससे लड़ना होगा और हम सब लड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा, आप बिलीव रखना। ठीक है, तो मैंने अपनी मम्मी और मम्मी के कुछ फ्रेंड्स को देखा आगे, आई थिंक अभी लगा नहीं है सेकेंड टीका, टाइम लगेगा उस पर, तो वो आगे मार्केट पे है। अच्छा दिखाता हूँ आपको, ये रही हमारी दीदी, गांव की दीदी, ये दूसरी दीदी दादी दादी नहीं लगा भाई, दादी मास्क पहनो, मास्क झुल्ला झुल्ला झुल्ला। मम्मी हो रहे, मम्मी और को अभी लगी नहीं है इंजेक्शन, ये लोग आलू खरीदने के लिए आ गए तब तक। हम तीनों सहेलियां हैं। माँ बताओ मतलब अभी टाइम कितना लगेगा? अभी तो लगेगा, ये दो भी बन जाएंगे। अच्छा तो तुम लोग तो बहुत जल्दी आ गए, घंटे पहले। मास्क नहीं हटाने का, बिल्कुल नहीं, घूमने के लिए आ गए। तो मतलब आपने सोचा कि जब तक वैक्सीन का वेट होता है तब तक आलू प्याज खरीद ले? हाँ। ये आइडिया किसका था? तो सब हमने अपने आइडिया अपने आप लगाया ना, सबका है। और ये मेरी मम्मी जो है ये ले रही है आलू, मैं ये बड़ा वाला भी लगा, इससे मैं वो बनाऊंगा चिप्स चिप्स। बहुत गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी, लेकिन ऐसा है कि अगर आप छाया में बैठ जाते हो तो सुकून मिल जाता है। मम्मी और का नंबर आने में तो लगेगा टाइम, मैं आपको बस यही कहूँगा कि आजकल न्यूज़ आ रही है ना उल्टी सीधी, तो न्यूज़ वही देखिए जो काम की हो, और जितना हो सके अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, कुछ गेम्स खेलिए जैसे अंताक्षरी हो गया, चुटकुले सुनाइए एक दूसरे को, मतलब हंसिए जैसे बच्चे खुश रहते हैं ना वैसे ही, ताकि जो माइंड में टेंशन चलती है वो कम हो। चलो तो पहुंच गए हम स्कूल, जुई का स्कूल, ये रहा स्कूल, पुराना स्कूल है ये, नीचे है नया वाला स्कूल, तो यहाँ पर मैं 6 क्लास पढ़ा था, और ये रहा गेट, पुरानी यादें बिल्कुल ऐसे आ गई है ना, बिल्कुल मेरे सामने, आंखों के सामने। तो यहीं पर मैं 6 क्लास में फेल हुआ था और फिर मैं दिल्ली आया था पढ़ने के लिए। तो चलिए मेरे साथ आ जाओ, मैं अपनी पुरानी स्कूल का आपको टूर करवाता हूँ। ये है खिड़की, पुरानी यादें, और ये वही कमरा है जहाँ पर मैंने पहली बार 6 क्लास में एंटर किया था। यहाँ पर मैं बैठता था, चटाइयों में हम लोग बैठते थे, इस साइड लड़कियां, इस साइड लड़के, और सामने हमारे गुरुजी। सो आगे चलते हैं, और यहाँ पर 6 क्लास थी हमारी, 7th, 8th, 9th, 10th, और सामने जो रूम दिख रहा है वो हमारे प्रिंसिपल सर जी का। जब बारिश होती थी तो यहीं पर प्रार्थना होती थी यहाँ पर, और नॉर्मल दिनों में इस ग्राउंड में प्रार्थना होती थी। ये जो नीचे है ये नया स्कूल है, इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो यहाँ पर ये मेला नहीं लगा हुआ, यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन लग रही है सबको। तो आइए मेरे साथ, यहाँ पर वो भी आ रखे हैं जिनको पहला टीका लगना है, और ज्यादातर वो लोग हैं जिनको दूसरा टीका लगना है ना। यस, आपकी दादी मम्मी कौन? पापा। पापा आगे डॉक्टर? हाँ आगे आगे ना। तो दोस्तों आई होप सबने मास्क पहना हो, और मुझे मत बोलना किसी ने पहना ना हो, तो मेरी मम्मी नंबर कितना है दादी? नमस्ते नमस्ते। हाँ और सब बढ़िया? ये राशि की मम्मी और मेरे साथ, मतलब पर्चियां मिल गई। अच्छा आप सबका पहला टीका है ना, चलो घबराना मत, ठीक है सब कुछ सही हो जाएगा। दादी नमस्ते। हाँ हाँ ये राशि की दादी, दूसरा टीका लगेगा ना आपको? हाँ पहला, ये राशि की दादी है, ये मेरी मम्मी। दादी आपको भी, ये दादी नमस्ते। नमस्ते बुआ, नमस्ते भरचाई। हाँ हाँ दादी ठीक है। ये इस पे कौन सा टीका लग रहा है? इस पे पता नहीं, अब आप लगा लो।
आपका कौन सा नंबर है? पता नहीं क्या पता करूंगी। कैसे पता करूंगी कि मेरा नंबर कितना है? वो आपको बुला देंगे दादी। आपका नंबर क्या है? दोस्तों टीका लगने के बाद हल्का फुल्का बुखार आ सकता है, तो आप लोग घबराना मत, डॉक्टर जो भी दवाई देंगे आप उसको लेना, ठीक हो जाएगा। और भैया जिसके साथ दवाई मिल रही है पैरासिटामोल है, मतलब जैसे बुखार के ना? हाँ, पैरासिटामोल। तो ये बता दो कि इंजेक्शन के बाद थोड़ा बहुत बुखार आता है? वो तो आएगा ही आएगा, वैक्सीन लगेगी ना अगर, तो उसका तो बॉडी जब रिएक्ट करेगी ना हल्का फुल्का बुखार तो आएगा। पैरासिटामोल दे रहे हो? हाँ। दर्द हुआ क्या? कितनी बड़ी इंजेक्शन है? छोटी है, इंजेक्शन होते नॉर्मल। और क्या बोल रहे हैं डॉक्टर जब इंजेक्शन लगा रहा है? कुछ नहीं, बस कुछ तो बोलो। कुछ नहीं बोला। कबूतर दिख रहा है ऐसे? नहीं कबूतर ना, खरगोश कुछ नहीं दिख रहा। दवाई दी थी? दवाई तो देखिए दिखा ना, ये वाली दवाई दी जा रही है इंजेक्शन लगने के बाद। कल मेरे पापा गए। पापा? हाँ बिल्कुल, मैंने सैनिटाइजर लगा दिया, हाथ पैर भी धो दिए अच्छे से। पापा हमने किंडर जॉय भी ला के आया है। यार वहाँ किंडर जॉय नहीं मिलता। मिलते नहीं? पापा आपको इंजेक्शन लगी? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगी, दादी को लगी, दादा को लगी। पापा दादी भी रोई थी? नहीं रोई, रोएंगे क्यों? आदम पापा मैं आपका बैग कहाँ है? ये मेरा बैग ढूंढ रहा है, अब पता चला मुझे। गायर ऊपर आओ। आ रहा हूँ। कल रुदु ने 30-40 गेम्स डाउनलोड कर रखी थी दादी के फोन पे। दादी डॉक्टर ने कैसे लगा? मम्मी ने खाना खा लिया है, पापा ने भी खा लिया है। और अब मैं पूछता हूँ, मम्मी जब इंजेक्शन लगी थी तो उन्होंने कौन सी दवाई दी थी और क्या कहा था? ये दवाई दी है बस, कुछ नहीं, बुखार आएगा तो खा लेना, नहीं आएगा तो मैंने पहले भी नहीं खाई। पहले बुखार आया था? आप सभी लगा लेना, कोई डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये हमारी सुरक्षा के लिए है। यस ना? हाँ। ये वाली दवाई वो दे रहे हैं बुखार के लिए, नॉर्मल लग रहा है ना? हाँ अभी तो नॉर्मल लग रहा है, पर आराम जरूरी है, आराम करना है। ठीक है, तो अभी मम्मी आराम कर रही है, पापा भी आएंगे वो भी आराम करेंगे, हम भी करते हैं, आप लोग इतना ध्यान रखना। आम लीजिए ले आपको ना। आम? आम ले जाइए। क्या भाव चल रहा है आम? 70 रुपए किलो। मम्मी आम लाइए, बाद में देखो हमने यहाँ पर रिपेयर किया था तो अभी ठीक हो गया। मौसम कैसे हो रहा है? बारिश आ रहा है। अच्छा मैं आपको बारिश दिखा रहा हूँ। कहाँ है? दिखाओ जरा कहाँ है। ओहो आ रही आ रही है, रोज इस वक्त बारिश हो रही है, शाम को 4-4:30 बजे के आसपास। ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन आप लोग अपना ख्याल रखना, हम लोग भी अपना ख्याल रख रहे हैं। तो कल मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस।